नमस्कार दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन यूनिकॉर्न कंपनियां कितने घाटे में चल रही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बन चुकी भारतीय स्टार्टअप कंपनियां हजारों करोड़ के नुकसान में हैं। फाइनेंशियल इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार 55 यूनिकॉर्न बन चुकी भारतीय स्टार्टअप कंपनियां काफ़ी नुकसान झेल रही हैं। IBM यानी इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार भारत में 90% स्टार्टअप महज 5 साल में बंद हो जाते हैं। केवल 10% स्टार्टअप ही मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि यूनिकॉर्न क्या होता है। दरअसल यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप को कहा जाता है जिनका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ से अधिक का हो तो हम उसे यूनिकॉर्न कह सकते हैं या यूनिकॉर्न कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कौन कौन कंपनियां कितने घाटे में चल रही हैं। इनमें फर्स्ट पे है UPI पेमेंट प्रदान करने वाली स्टार्टअप कंपनी भारत पे है, जिसका 2021-22 में लगभग 7,260 करोड़ यानी $726 मिलियन का नुकसान हुआ है। जबकि सेकेंड पर ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट है, जिसका पिछला वित्तीय वर्ष में घाटा $568 मिलियन यानी 5,680 करोड़ का रहा। इसके अलावा एक और ई कॉमर्स कंपनी मीशो, जो $422 मिलियन यानी 4,220 करोड़ के घाटे में है। जबकि फूड डिलीवर करने वाली स्टार्टअप कंपनी स्विगी, जो $398 मिलियन के नुकसान में है। इसके अलावा अनएकेडमी यह एडटेक स्टार्टअप कंपनी है, जो 2021-22 में $352 मिलियन यानी 3,520 करोड़ के घाटे में है। जबकि वर्ष स्टार्टअप कंपनी 343 मिलियन के नुकसान में है। इसके अलावा UPI सेवा प्रदान करने वाली पेटीएम, जो $320 मिलियन के नुकसान में है। जबकि उड़ान स्टार्टअप कंपनी $229 मिलियन के नुकसान में है। और सबसे प्रचलित UPI पेमेंट प्रदान करने वाली कंपनी फोनपे, ये भी $227 मिलियन यानी 2,270 करोड़ के नुकसान में चल रही है। अभी यही नहीं है, इसके अलावा शेयरचैट और OYO कंपनी भी काफ़ी नुकसान में है। बाकी वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।